तो अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड शेरी की तरफ। तो घर बाहर ड्राइवर बन बन के थक गई थी। अच्छा, एक नेल उतरने के बाद बारिश जल्दी भूख लग गई है। ये मेरा है या आपका है? ये मैं हूँ और हम जल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी भाई सरदार। और मेरी इतनी मुस्कुराहट की वजह ये है, आज मैं मिली हूँ बहुत टाइम के बाद अपनी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड से। इसको लग रहा था, मैं इसको डेली कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा सा सही होने दे। इसको लग रहा था कि मैं इसको ना गोलियां करा रही हूँ। हाँ। तो मैं आज आपको मिलाती हूँ अपनी एक बहुत पुरानी और अच्छी और कूल सी फ्रेंड से। हेलो एवरीबॉडी। तो फाइनली मैं आज आ गई। जैसा कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं बहुत शदीद बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के बाद मैं रिकवर कर लिया मैंने, और अभी भी मैं रिकवरी मोड पर ही हूँ। प्रॉपर ठीक नहीं हुई, लेकिन इस काबिल हो गई हूँ कि मैं ड्राइव करके फ्रेंड के पास आ गई मिलने के लिए। पूछा मैंने कुछ? तो अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड शेरी की तरफ, और प्लान कुछ ये है कि अभी सबसे पहले तो बीमारी में आपको पता है, बीमार जब मैं होती हूँ ना तो मैं हर चीज़ से इरिटेट होने लग जाती हूँ। तो मैं जब बीमार थी, मैं इतनी इरिटेट हुई अपने नेल्स की वजह से कि मैंने खुद ही ना ये गंद करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, मैं अपने नेल रिमूव करवाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना है कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ देखेंगे, और फिर बाकी की बातें आपको बाद में बताते हैं। तो हम अब जा रहे हैं सैलून। इतनी अच्छी फील आ रही है ना मुझे इस सीट पर बैठ कर। तो मेरी फ्रेंड शेरी ने भी ले ली है गाड़ी, और अभी ये लर्निंग ड्राइवर है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह ड्राइव बहुत अच्छी है, पास कर दिया है मैंने तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी अब कोई पिक करने वाला है, वरना मैं तो घर बाहर ड्राइवर बन बन के थक गई थी। बड़ी अच्छी फील आ रही है, मैं भी साइड वाली सीट पे बैठूंगी और ऑर्डर करूंगी, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ से यहाँ चलो। नेल लगवाने का प्रोसीजर तो दिखाया था, लेकिन मैंने आपको नेल रिमूव करने का प्रोसीजर नहीं दिखाया अभी, वो इससे भी गंदा है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि नेल लगवाने के क्या साइड इफेक्ट है। तुम्हारी मर्जी है, तुम लगवा लो, मैं तो तंग पड़ गई हूँ, बस हो गया। तो एक्रेलिक नेल रिमूव करने के लिए सबसे पहले वो आपके एक्स्ट्रा नेल को कट करते हैं, और फिर बफर से बफ करते हैं, और फिर सारा बफ करने के बाद एक लिक्विड है वो लगाकर इसको फॉइल लगा दी जाती है। अच्छे नेल्स लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उतरते हैं ना तो ये देखें ये हाल होता है फिर। जिस फॉइल के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो कुछ ऐसे लगा दी जाती हैं, एक लिक्विड कॉटन के ऊपर लगा के फिर फॉइल से बंद कर देते हैं। ये लिक्विड करता ये है कि जो आपके एक्रेलिक जेल होते हैं उसको ये सॉफ्ट कर देते हैं, फिर जब वो सॉफ्ट होते हैं फिर उसको अगेन बफ करके पूरा क्लीन कर दिया जाता है। ये क्या हरकत कर रही है, ये सबके मोबाइल ले और कह रही है मेरी फ्रेंड फाइजा डार को जो है सब्सक्राइब करो। देखा है आपने, ऐसे दोस्त जो होते हैं ना वो आपको फेमस कर दे। समझ रहे हो आप? आओ, वाओ प्रीति, सोनिया के व्लॉग देखा करें। वो कौन सी बंदा? सोनिया बिट्टी कौन वो कहता था अपनी बिट्टी। हाँ। बेटा ये व्लॉग आ रहा है, मैं डाल दूंगी तुम्हारी बिट्टी सारी आ जाएगी। हो गए थैंक यू। ये मेरे नेल ओरिजिनल हैं, और जो एक्रेलिक है वो उतर चुके हैं। अच्छा, नेल फेक नेल उतरने के बाद जो एक पहली फील आती है ना, वो पता है क्या है? वो ये है कि आप अपने हाथों से खारिज कर सकते हैं। ओहो, ये नेल रिमूव करने के बाद ना जो पहली खुशी होती है वो किस चीज़ की होती है? आ, प्यारी समझ गई। हम लोग आए हैं लामा, यहाँ से शेरी ने देखने हैं शूज, और मुझे चाहिए एक लॉन्ग कोट। ये उठा लिया यार, ये देखो ये कितने क्यूट है, है ना? ये मैं ट्राई करती हूँ।
शेरी, शेरी ये देखो अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें यही चाहिए थे? ठीक है कर लो फिर। हम लोग नेल अपने रिमूव करवा के घर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दो। लोग जा रहे हैं कराई बॉय, हाँ पी आर कवर करने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं कराई बॉयज़ और यहाँ जाके देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। अभी हमने ऑर्डर किया है सूप, सबसे पहले हम सूप पियेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा फ्लू 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 फील हो थोड़ा सा। तो इन्होंने प्लेट्स हमें ला दी हैं, हमारी भूख और चमका दी है। भूख लग रही है तुम्हें? भूख से बुरा हाल है, हमने सुबह खाया था पराठा है ना, हमने सुबह पराठा खाया था लेकिन पराठे के बाद भूख लगनी नहीं चाहिए थी लेकिन हमें बहुत जल्दी भूख लग गई है। मतलब ये थी मैंने ऑर्डर किया था वेजिटेबल सूप और शेरी का था हॉट एंड सॉस। मुझे हर चीज़ इतनी स्पाइसी क्यों लग रही है जब से मैं बीमार हुई हूँ, तुम्हें कैसा लग गया? खाना हमारा आ गया है। वेट वेट वेट, नहीं सर्व ना करें। पानी हनी हनी, हमने वीडियोस बनानी है अभी थोड़ी सी, आप भूल गई हम ब्लॉगर हैं, खाने से पहले वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मैं ये कह रही थी कि खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और अब हम लोग कहीं बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और कुछ डिज़र्ट खाएंगे। मैं चलाऊँ तुम चलाऊँ? चलाओ मैं चलाऊँ। हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने ब्लू पिल, ये मेरा है या आपका? सॉरी ये मेरा है, ये आपका था, आप भूल रही हैं आपने ये किया था, क्या था ये? एप्पल थॉट। और अभी हम ट्राई करते हैं ये जो मैंने ऑर्डर किया। कैरेट कैरेट केक, या इट्स नाइस। अब हम तुम्हारा ये थॉट ट्राई करेंगे। मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया था कि ट्रे में खाली हो चुका था ना, बट दिस इज द लास्ट स्लाइस, सो आई थॉट इट्स गोना बी अ गुड वन। चलो अब ये टेस्ट करते हैं ये कैसा। नहीं यार अच्छे, अपनी अपनी जगह पे दोनों। ओहो ये लगाया ना, थोड़ा ये लगाया थोड़ा यहाँ। मजेदार जी, तो हम घर वापस आ गए हैं लफंटरियाँ करके। तो आज मैं यहीं पर स्टे करूँगी, स्लीप ओवर करूँगी शेरी की तरफ, क्योंकि शेरी को बहुत गिला था मेरे से कि तुम मेरे घर स्लीप ओवर नहीं करती हो, तो आज मैं शेरी की तरफ ही रुकूँगी। क्यों शेरी हैप्पी? जी वेरी। ये क्या तुम मुझे किस हालत में दिखा? असली हालत हाँ गाइस, ये देखें ये जो पेंटिंग है ये मैंने बनाई है, शेरी ने बनाई है। पीछे मैं आपको बताती हूँ, ये वो इमेजिनरी बॉय है जो पता नहीं किधर है और ये मैं हूँ और हम जल चुके हैं प्यार की कैंडल से धुआं निकल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे खत्म, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हाँ कल के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, आज हमने थोड़ी सी शॉपिंग करने की कोशिश की थी जो कि बिल्कुल ही नाकाम रही क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा और हमारा इतना मूड नहीं था। आप लोगों को टूर देंगे कि विंटर्स में कौन से ब्रांड, डोंट शो मी, ओके हम कल आप लोगों को प्रॉपरली बताएंगे कि विंटर्स में आप क्या क्या कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स एंड ऑल द गुड पीसेस, ठीक है, जो विंटर्स में आए हैं। ऑब्वियसली द ड्रेसेस एंड द स्वेटर्स एंड द जैकेट्स एंड एवरीथिंग एंड द बूट्स एंड द शूज एंड द सॉक्स। ओके तो इस
व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप सब अपना बहुत सारा रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज।